हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में, जिसे आप आसानी से कहीं भी सीख सकते हो और सीखकर अपने लिए कमाई के रास्ते खोल सकते हो। पर याद रहे दोस्तों, सिर्फ आपको कोर्स कर लेने मतलब कि सर्टिफिकेट ले लेने से आपको कमाई नहीं होगी। आप जो करोगे इस पांचों में से कोई आप एकदम अच्छे से करोगे, आपके पास वो स्किल होना चाहिए जिससे कि आप कमाई कर सको। उसको आपको ध्यान पूर्वक करना होगा, बड़े ही अच्छे से करना होगा, आपको उसमें रुचि होना चाहिए। तो इस टॉप 5 कोर्स में से आप कोई भी एक करो, लेकिन अच्छे से करो। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पीके ठाकुर, स्वागत है आपके अपने चैनल RBP एजुकेशनल ट्रिक्स में। अगर आप भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन होगा प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कोर्स की, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको तो पता है कि सब कुछ अब इंटरनेट पे आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रही है, वेबसाइट बन रहे हैं, वेब डेवलप हो रहा है। तो इस समय सबसे पहले आपका ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, ये आपको करना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से तो आपके लिए कमाई के दरवाजे खुले ही खुले हुए हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग होता यह है कि इसमें आपको क्या होता है कि विज्ञापन करना पड़ता है, चीज़ों का विज्ञापन मतलब प्रचार किया जाता है, ठीक है, एडवर्टाइज जिसे बोलते हैं वो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो काम होता है वही होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप ईमेल की मदद से, इंस्टाग्राम के मदद से, फेसबुक के मदद से या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मदद से किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो पाए। लेकिन बिना किसी नॉलेज के आप ये कर नहीं पाओगे। तो इसी पूरे कोर्स को मतलब इसे कैसे करना है, ये जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंतर्गत। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, किस तरह से वेबसाइट बनाकर वहाँ पर इसको एडवर्टाइज करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर रीच कैसे लाया जाए, आदमी को कैसे लाया जाए। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कोई पिक्चर कैसे बनाकर एड्स लगाना है, किस तरह से लोगो बनाए, किस तरह से थंबनेल बनाए ताकि लोग अट्रैक्ट हो और वहां तक पहुंच पाए जहां हम उन्हें लाना चाहते हैं। तो इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में यही सब सिखाया जाता है और इस समय का सबसे पॉपुलर जो कोर्स है उसमें से एक है डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको भी करना चाहिए। तो आगे हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर कोर्स की। तो दूसरा नंबर जो हमारा कोर्स है वो है टैली। अगर टैली में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आपको पता है टैली का इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अकाउंटिंग के, लेकिन अभी भी टैली जो है सभी सॉफ्टवेयर का बादशाह, बोले तो बाप बोला जाता है सभी सॉफ्टवेयर का टैली। अगर आप टैली अच्छे से सीख लेते हो तो आप किसी भी कंपनी में अच्छा खासा जॉब ले सकते हो और अच्छी खासी रकम इनकम जनरेट कर सकते हो, अपने लिए रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपको कहीं भी अकाउंटिंग का अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा यह टैली कोर्स करने के बाद। तो टैली सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेल, एमएस एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वह बेसिक नॉलेज आप हमारे चैनल से भी ले सकते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी एक्सेल से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वैसे भी आप जाके देख सकते हो वीडियो, आप यह कोर्स कहीं भी लोकल से भी कर सकते हो, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं तीसरे कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स में आपको सीखना है MS Word, MS Excel और MS PowerPoint। उसके साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। इसे सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगी जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। और हमारे चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे जिसे देखने के बाद आपको कंप्यूटर में महारत हासिल हो जाएगी और आपको एक अच्छा खासा जॉब भी मिल जाएगा। ओके, अगला जो हमारा चौथा कोर्स है वो भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। तो ये इसका भी अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आने वाले समय में इसका और भी ज़्यादा
क्रेज होगा। ठीक है, ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर होने वाला है आने वाले समय में, अभी तो है ही, और आगे इसकी जो मांग होगी वो और भी ज़्यादा होगी। तो यदि आप लोगो बनाना जानते हो, कोई थंबनेल बनाना जानते हो, लेटर पैड बनाना जानते हो, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, ये सब बनाना जानते हो, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तब तो आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अगर ये कोर्स आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए कमाई के दरवाजे खुले ही खुले हैं। इस कोर्स में आपको फोटोशॉप और कॉरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, और ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं वर्ल्ड के पॉपुलर सॉफ्टवेयर में से एक है। इस सॉफ्टवेयर में आपको लोगो, थंबनेल, बैनर, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, ठीक है, बिजनेस कार्ड, ये सारा चीज़ बनाना सिखाया जाता है। तो अगर आप इसका भी बेसिक नॉलेज चाहते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर फोटोशॉप से पहले, कॉरल ड्रॉ से पहले, एमएस वर्ड पे ही लोगो बनाना, आईडी कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हो, तो उस सब का वीडियो अपलोड है। आप बस चैनल पे एक बार विजिट करिए, आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उसे देखिए, मोटिवेट होइए, खुद को मोटिवेट करिए और इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर ये सब करने का। अगर आप बनाना सीख लेते हो ना, तो आपके अंदर उत्सुकता पैदा होगी और आप करना चाहोगे। और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा आप एडिट कर पाओगे, और अगर आप अच्छे से एडिट कर लेते हो तो उतना ही अच्छा आपको रकम भी मिलेगा। तो इस कोर्स को आपको ज़रूर करना चाहिए। और हमारा पांचवा जो कोर्स है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का जो कोर्स है आप इसे ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। ब्लॉगिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप ब्लॉग लिखना शुरू करते हो और धीरे धीरे वो डेवलप होते जाती है। आप वेबसाइट बनाते हो और उसी वेबसाइट के जरिए जब आप डेवलप्ड हो जाते हो तो क्या करते हो कि उसे एडसेंस से ऐड कर देते हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर पाते हो। और ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करके देती है। तो इस कोर्स में भी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल से जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं ब्लॉगिंग कैसे करते हैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा पूरे डिटेल से कि कैसे आप स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको इस पांचों कोर्स में से किसी भी एक कोर्स में इंटरेस्ट है और अगर आप वह कोर्स अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आप अपने लिए एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर पाओगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।